सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट 2022 से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास एक अपडेट आई है जो कि जिन कैंडिडेट्स ने जेबीटी टेट 2022 भर रखा है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हम इस न्यूज़ को पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं ये जो न्यूज़ है वो अभी तक ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं क्या लिखा गया है। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट ने 10 को होने वाले जो सभी टेट परीक्षाओं पर स्टे लगा दिया था, उसके बाद क्या है आज इसके ऊपर एक बड़ी अपडेट आई है। एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला की कोर्ट ने जेबीटी को छोड़कर अन्य विषयों के जो टेट परीक्षा करवाने की एप्लीकेशन है वो डाली थी। इस पर आज जो कोर्ट का फैसला है वो आ गया है। जेबीटी टेट को छोड़कर बाकी जो सभी परीक्षाएं हैं वो 10 को ही होगी। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो आपका जेबीटी टेट है वो 10 दिसंबर को नहीं होगा। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई, अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिलती है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सूचित किया जाएगा। लेकिन अभी ये जो मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। आगे दोस्तों क्या लिखा गया है, जेबीटी टेट परीक्षा 10 को नहीं होगी। क्या लिखा गया है, जिसकी नोटिफिकेशन जो HPBUSC धर्मशाला है वो जल्दी ही निकाल देगा। आगे दोस्तों क्या लिखा गया है, जेबीटी टेट जो परीक्षा है 15 की सुनवाई के बाद ही होगी। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है जो आपकी 15 को सुनवाई है उसके बाद जो आपकी जेबीटी टेट की परीक्षा है वो होगी। तो यहाँ पे दोस्तों बड़ी अपडेट ये है कि जो आपका जेबीटी टेस्ट 10 दिसंबर को होने वाला था उसके ऊपर अपडेट आई है कि वो जो आपका टेस्ट है वो अभी 10 दिसंबर को नहीं होगा, क्योंकि वो जो मैटर है वो कोर्ट में चला हुआ है और उसके ऊपर स्टिल जो स्टे है वो लगी हुई है। तो दोस्तों आगे चल के इससे रिगार्डिंग जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक आपने इस चीज़ का यकीन नहीं करना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो हमारा ग्रुप में इसमें वही जो न्यूज़ है फॉरवर्ड की जाती है जो कि 90% जिसकी एक्यूरेसी रहती है, बाकी 10% में ये भी कह सकते हो कि गलत भी हो सकती है। फिलहाल यही है कि आपकी जो आपका जो एग्ज़ाम है टेट का वो 10 दिसंबर को नहीं होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।